श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद दादा गुरुजी भगवान की जय। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए आप सभी स्नेहीजनों को पूर्ववत तो खूब खूब साधुवाद। सनातन धर्म की ओर अग्रसर बढ़ रहे सभी प्रत्येक बागेश्वर धाम के पागलों को और समूचे भारत के साथ साथ अनेक अनेक देशों में बैठे हुए सनातनी परंपरा का आवाहन करने वाले और सनातनी परंपरा का सहयोग करने वालों को खूब खूब बागेश्वर बालाजी की पीठ से साधु। हमारा भारत प्राचीन परंपराओं से भरा पड़ा है। आपके मन में भाव आ रहा होगा कि हम हैं कहाँ, तो वर्तमान में हम यात्रा पर हैं और यत्र तत्र साधु संत ऋषि मुनियों की जो तपोस्थली है और यज्ञ बागेश्वर धाम पर जो 13 फरवरी से होने वाला है उस यज्ञ में आमंत्रण देने के लिए हम अभी उत्तराखंड क्षेत्र में हैं, जहां हम पूज्य स्वामी जी अनेक महापुरुषों को आमंत्रण दे रहे हैं और साथ ही साथ ऋषियों की परंपरा जो ये साधना स्थली है, तपो स्थली है, जिसके लिए हमारा भारत जाना जाता है और विश्वगुरु है और भारत विश्वगुरु है, इसलिए भारत विश्वगुरु कहलाता है। हमारा भारत, भारतीय सनातनीय परंपरा गूढ़ रहस्यों से, खजानों से भरी पड़ी। प्राचीन परंपराओं पर आपेक्ष लगाना, प्राचीन पद्धतियों पर जो हमारी संतों ऋषियों मुनियों की यात्रा है उन पर उंगली उठाना एक छोटी मानसिकता दर्शाती है। लेकिन वर्तमान में एक बहुत प्रेम पूर्वक हम निवेदन करें कि अब वर्तमान में सनातनीय हिंदू साधु संत एकत्रित हैं। अब आगे अगर आप सनातन धर्म के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर और सनातन के साधकों के ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे। इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत सनातनी राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। हम किसी भी धर्म पंथ के खिलाफ नहीं, सर्वधर्म समन्वय, राम राज्य की स्थापना जिसमें सबकी सर्वधर्म समन्वय हो, जिसमें सबकी भावनाओं की कत्र हो और सबके साथ सबका विकास, राष्ट्र का हित हो। हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाना या हमारा उद्देश्य आपको अपने चमत्कार में आकर्षित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारी ऋषियों की परंपराओं के बारे में आपको बताना है कि हमारे ऋषि मुनि महात्मा अपनी परंपराओं से क्या आपको कहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। ये हमारे वैदिक मंत्र, देखो एक होती आर्यवैदीय चिकित्सा, एक होती मंत्र चिकित्सा। हम मंत्र चिकित्सा के माध्यम से आपको अपनी ऋषियों की परंपराओं को अवगत करा रहे हैं, भारतीय संतों को हम अवगत करा रहे हैं, भारतीय संतों की ताकत। और उसका परिणाम यह है कि आज समूचा संत समाज और समूचे सनातनी हिंदू एक है। इसी क्रम में हम आमंत्रण देने लिए निकले हैं तो कई लोगों के मन में कौतुक आ गया कि गुरु जी कहाँ हैं, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, क्यों चले गए, ये क्या पागलपन है। हम कोई राजनेता नहीं है या हर बात को हम अपने संतों के पास अपने हम अपना कार्य कर रहे हैं। लोगों के मन में कि हम क्या करने वाले हैं, हम कोई राजनेता नहीं है, ना हमें राजनीति करनी है, ना हमें न्यूज़ पर लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये सब करना है, ना हमें बहुत ज़्यादा सफाई देनी है, ना हमें बहुत ज़्यादा किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। हम अपने संतों को, भारतीय सनातनीय संस्कृति को, सनातनी हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हमें किसी धर्म से पंथ से बुराई नहीं, सबके प्रति हमारा आदर, सबके प्रति हमारा स्नेह, सबके प्रति हमारी सद्भावना है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम के चरित्र को निर्माण हमारा सनातन धर्म करता है। आज उसी क्रम में सब लोगों के मन में ख्याल आता होगा गुरु जी कहाँ हैं। हम मीडिया में बनने लायक नहीं बने, हमारा उद्देश्य दूसरा है। हमारा उद्देश्य सनातन का है, हमारा उद्देश्य सनातनी हिंदुओं को एक करने का है। हमने ये कहा कि अगर हम सब हिंदू एक हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। सीताराम भगवान की जय। हम आमंत्रण देने अपनी परंपरा का निर्वाहन करने के लिए, साधु संतों को सबको प्रणाम करने के लिए और यज्ञ की तैयारी के लिए हम आ गए हैं हिमालय। सामने आपको दिख रहा होगा वो है हिमालय और अभी तो आनंद ले रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम फिर चल देंगे आगे की यात्रा। और आज हमारे साथ आप बागेश्वर धाम के जितने पागल पूरे भारतवर्ष के हैं उनके लिए एक ऐसी खुशखबरी है। आज हमारे साथ हमारा भारत गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है।
आयुर्वेद आयुर्वेदिक ज्ञान में समूचे भारत वर्ष को निरोगी काया देने का दृढ़ संकल्प अनेक समय से जो लेकर के चल रहे हैं हमारे बड़े भाई, जो एक ऐसे बुद्धि विवेक और भगवत कृपा के धनी हैं जिन्होंने समूचे भारत को प्रातः काल जगाने की चेतना और योग के बल और निरोग काया देने के लिए औषधि का जो सहयोग, औषधि का ज्ञान जो हमारी प्राचीन पद्धति धन्वंतरी भगवान से प्रकट होती है, ऐसे आर्योवेदाचार्य पूज्यपाद हमारे बड़े भैया आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे साथ में हैं और हम दोनों खूब औषधियों का आनंद ले रहे हैं, खूब पहाड़ों पर ठुमका लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और जो राम के नहीं उनकी ठटरी भी मार रहे हैं तो हम चाहेंगे कि पूज्य भैया जी समूचे बागेश्वर धाम के पागलों को अपना आशीर्वचन दें और हमारा पूरा बागेश्वर परिवार निरोग रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। पूज्य भैया जी गुरुदेव, बहुत हिमालय का आनंद ले रहे हैं हमारे बहुत ही सम्मानीय, हमारे आदरणीय, हमारे बहुत ही प्यारे मेरे अनुज, मेरे भ्राता हमारे साथ हैं और अभी हमारे अनुज जो है पूरे देश में छाए हुए हैं, पूरी दुनिया जो है अभी चर्चा का विषय है। तो चर्चा का विषय यही है कि हम सनातन वैदिक परंपरा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उस परंपरा वैदिक कार्य के लिए जो हमारा लक्ष्य है वो अपने अपने ढंग से हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो भ्राता श्री भी उसके लिए लगे हुए हैं, तो लोगों का कहने का, सुनने का, समझने का विषय है। तो बस यही बताने के लिए आज हम यहाँ हैं कि आपका एक बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान है, अब उसके लिए कई पूज्य संतों से आप मिल गए हैं। हमने कहा भाई हमारा हर्बल वर्ल्ड जो कई बार मैंने इस विषय में चर्चा भी की है, मैंने बताया कि कितना हिमालय के क्षेत्र में पूरी धरती के अंदर जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम के जितने भी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, लगा करके उन परंपराओं को समृद्धशाली, यानी जड़ी बूटियों से विश्व बंधुत्व, जड़ी बूटियों से सनातन की भी समृद्धि तक ले जाने का कार्य उसका एक स्वरूप है। तो यहाँ हम आए थे तो हमें पता चलता रहता है क्योंकि समाज से, मीडिया से जुड़ा, आप भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति एकदम अचानक अदृश्य नहीं होता है, पर उसका कार्य सिर्फ मीडिया नहीं होता है, मीडिया के अतिरिक्त तो जो हमारे मुख्य दायित्व और कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करना वो हमारा असली कर्तव्य है। उसी असली कर्तव्य के लिए भाई हमारे यहाँ पर इस हिमालय क्षेत्र में अभी हम आए हैं, अब यहाँ से जाएंगे, कर्तव्य का करेंगे। तो बाबा तो यहीं थे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे और हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे, मिल करके इस देश के लिए, संस्कृति के लिए कुछ बड़ा कर करके दिखाएंगे। तो आप सबको हमारी शुभकामनाएं और हमारे आदरणीय भ्राता श्री, देखो हिमालय, देखो हिमालय, देखो हिमालय जैसे बनो, उस हिमालय का आनंद ले लो, क्यों भ्राता? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत आप सबको भी हमारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, सब बड़े प्रेम पूर्वक रहिए और यज्ञ की तैयारी सब करो और बहुत जल्दी भव्य यज्ञ होने जा रहा है। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक 121 बेटियों के विवाह की हम तैयारी कर रहे हैं और पूज्य भैया जी भी पधारेंगे, समूचे भारत के संत महात्मा पधारेंगे, हम आमंत्रण देने आए हैं और आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। अब हम मीडिया के लिए कोई संदेश गुरुदेव, बागेश्वर धाम के जितने भी या मीडिया के जुड़े हुए लोग हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे हो जो सच्चाई दिखाने की सामर्थ्यता रखते हैं। ईश्वर करे सद्विवेक, सद्विचार, सद्भावना बनी रहे और राष्ट्रहित के लिए आप दिखाते रहो, सनातन धर्म की उन्नति के लिए आप दिखाते रहो, यही हमारी मंगल कामना है। पूज्य भैया आचार्य जी को प्रणाम करते हुए समूचे भारतवासियों को जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम।